रोर के लिए स्टार्ट में आप इस तरह के पोजीशन में आते हैं कि आपके नीज जो है वो बेंड होते हैं और बाजू आपके आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं खुले होते हैं। इसमें दो मूवमेंट आप याद रखो, नी बेंड है और आर्म एक्सटेंड है, ठीक है। जब आर्म बेंड होंगे तो नी एक्सटेंड है, ये सिर्फ दो मूवमेंट है, एक्सटेंड और फ्लैक्स करना आपने इस दूसरे ज्वाइंट को। तो जब आपके नीज बेंड हो रहे हैं तो आर्म आपके एक्सटेंड हो रहे हैं, और जब नीज एक्सटेंड हो रहे हैं तो आर्म बेंड हो रहे हैं, और इस पूरे मूवमेंट में जो ट्रंक है आपका टॉर्सो जो है वो अपराइट रहेगा। और यहाँ से 90 डिग्री से ज़्यादा अगर जाओगे तो ये हील उठ जाती है यहाँ से, ये आप चेक करो, ये स्क्वाट में भी ऐसे होता है, आप करते रहे उसको। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ लोग हैं इसको यहाँ तक ले जाते हैं ऐसे, खुद से पीछे हो जाते हैं, तो वो खुद पीछे इस ज्वाइंट पर अगर देखो तो ये एक्सटेंड हो जाता है, हमें इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन इस अपराइट पोजीशन में रहेगा, चेस्ट अप रहेगी, स्पाइन आपकी नीचे रहेगी, ठीक है। स्पीड के लिए आप स्ट्रोक देते हैं, इसकी स्पीड में कितना है कि कितने स्ट्रोक ये जो उसमें लगा रहा हूँ अभी, ये स्ट्रोक है कितने स्ट्रोक हम पर मिनट जो है वो चलाते हैं, वहाँ पर आपकी स्पीड इसमें कंसिडर, ठीक है।